अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लैंड एरिया कैलकुलेशन विद कोऑर्डिनेट्स इन एक्सेल। तो एक्सेल के ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे बनाएंगे, बेसिकली ये आप मेरे पास एक एरिया है, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि भाई ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम एक्सेल के अंदर एरिया अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट ऑटो कैड। ये एक मैनुअल कैलकुलेशन होती है, इसके मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी जगह के ऊपर भी कि आपने अगर एरिया कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर तो वो आपने कैसे करना है। तो ये आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन शीट बनी हुई है जिसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर इनपुट किए हुए हैं, इसका कैलकुलेशन है, ऊपर एरिया है और ये साथ चार्ट बना हुआ है। तो ये पूरी शीट एक्सेल की शीट, इसको हम कैसे बनाएंगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, उधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट्स के मतलब ये कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आए हैं, ये किसी ने व्हाट्सएप के जरिए भी आ सकते हैं, आपने टोटेशन के जरिए इन कोऑर्डिनेट्स को आपने इधर से रीड किया है और आपने इसका स्केच बनाना है, आपने एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो आप कैसे करेंगे इसके अंदर, आपने ईस्टिंग नॉर्थिंग, ये आपके पास सारे पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट हैं, इसको मिला के तो इसके पूरे इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे, इसकी शीट को बनाएंगे कि हम इसके ऊपर वर्किंग कैसे कर सकते हैं। जो भी एरिया आप कोऑर्डिनेट्स का एरिया आपने कैलकुलेट करना है तो आप उसको कैसे एक्सेल के अंदर करके और इसका स्केच वगैरह बना सकते हैं। तो बहुत यूजफुल वीडियो है, वीडियो को आपने मेरी एंड तक ज़रूर देखना है और ताकि आपको उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप लोग मुझे फिर कमेंट्स करते हैं कि अभी वो हमारा एरिया ठीक नहीं आ रहा, आप मेरी वीडियो को एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा तसल्ली के साथ देखें, वीडियो के साथ चलाएं और साथ अपना एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो शीट फॉर्मेटेड शीट सपोर्टिंग शीट जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होती है, आप उसको डाउनलोड करके और उसको सेव एज कर लें, सेव एज करके आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं, दो दफ़ा कर सकते हैं, चार दफ़ा कर सकते हैं, आप उसको करें, दोबारा रीट्राई करते रहें, आप इसको डिस्टर्ब करें जो करता है, उसके बाद दोबारा आप डाउनलोड करें इसको और डाउनलोड करने के बाद आप इसको काम को दो चार दफ़ा आप इसकी ट्राई करेंगे तो ये आपके साथ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप एक्सेल की शीट को ओपन कर लें, ऊपर हेडिंग मैंने दे दी है लैंड एरिया कैलकुलेशन विद कोऑर्डिनेट्स इन एक्सेल। तो ये नीचे आपने इधर आ जाना है, सबसे पहले आपने इधर सीरियल नंबर आपने इधर लगा देना है, उसके बाद ये एक टेबल आपने इधर बना देना है इधर, और इधर आपने कोऑर्डिनेट्स का नाम इधर दे देना है, उस टेबल का नीचे आपने ईस्टिंग और इधर सेकंड नंबर के ऊपर आपने नॉर्थिंग लिख देना है, और साथ ये जो आगे कॉलम होएगा इसके ऊपर आपने इधर कैलकुलेशंस इसकी लिख देनी है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। कैलकुलेशन इधर हमारे पास एक्स आ जाएगी और इधर हमारे पास इधर वाई आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है, ये हमारे पास इधर इसको हम नाम दे देंगे एक्स का और इधर हम नाम दे देंगे वाई का। तो इस तरह आपने टेबल बना देना है और नीचे तक जिधर तक आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह जा रहे हैं इधर तक आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने बॉर्डर के ऊपर आना है और इसका कोई बॉर्डर आपने इधर इसका बना देना है। ये आप ये देख रहे हैं कि इसका ये इधर बॉर्डर बन जाएगा, ये कॉलम हमारे पास खाली है, इसको हम इधर से मर्ज कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन और ये हमारा सेपरेट हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास जो होगा ये सारा हमारा इनपुट्स डेटा होगा, ये जो पोर्शन होगा सारा ये हमारा सारा इनपुट्स वाला आएगा। इसका कलर मैं इधर से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ईजी हो जाए। इसके अंदर आपने इनपुट्स देना है और इधर हमने अपनी कैलकुलेशन को करना है। तो ये आपने कैसे करना है, तो ये आप ये देख रहे थे कि ये स्केच था हमारे पास, इस स्केच को आपने इधर से इंसर्ट करके अपने पिक्चर को, आपने जो भी पिक्चर आपकी है उसको आपने इधर से एक्सेल के ऊपर इंसर्ट कर देना है। इधर इंसर्ट करके ये सामने रख देना है या आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको सामने रख सकते हैं। तो अगर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमें ये बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये आपने इस तरह इसका स्केच रख देना। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पॉइंट हैं इसके, और ये 6 पॉइंट आपने इधर लिखने हैं इसके। इसी तरीके से इधर मैं नंबर इसके डाल देता हूँ, सीरियल नंबर 1 2, और इधर आपने इसी तरह इसको आपने सेलेक्ट करके और जितने आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपने इधर लिख देने हैं। वहाँ पर 6 पॉइंट हैं तो आपने 6 कॉलम इधर बना देने हैं। तो इधर आपने सबसे पहले स्ट्रिंग के ऊपर आ जाना है। तो ये आपने आप किसी जगह से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, कोई भी आप कॉर्नर इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपने जिधर जिधर से आप इसको लेंगे आपने इसी तरह घूमते हुए और पूरा इधर आके और इसको आपने इधर इसी तरीके से क्लोज करना है। तो हम पॉइंट को इधर सेंटर करते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट हमारे पास है 1499 पॉइंट,
351 और उसके बाद इसकी नर्थिंग को हमने इधर लिख लेना है। इसी तरीके से हमने सेकंड नंबर के ऊपर आ जाना है। आप इधर से एंटी क्लाक वाइज भी जा सकते हैं और क्लाक वाइज भी जा सकते हैं, तो हम इसको क्लाक वाइज जाएंगे और आगे वाला जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी ईस्टिंग और नर्थिंग की वैल्यू को हमने इसके अंदर लिख देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो भी इसकी नर्थिंग की ईस्टिंग और नर्थिंग के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने इधर इसी तरीके से लिखते जाना है, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सारा। तो ये आपने कोऑर्डिनेट्स को इसी तरह इनपुट करना है। आप भी बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इसके अंदर ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने अगर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एरिया कैलकुलेट करना है तो आपने कैसे करना है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ये फॉर्मेट होएगा, और एक्सेल के अंदर भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीकेकार के ऊपर आप इसका एरिया, लैंड एरिया कोऑर्डिनेट की मदद से, जो कि टोटल स्टेशन की मदद से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि हमने सारे कोऑर्डिनेट्स इधर इसके सारे इंटर कर दिए हैं। अभी सेवन नंबर के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होगा, जो फर्स्ट नंबर के ऊपर जिधर से हम चले थे, आप देख रहे हैं 1499.351 और 8125 और 62.242, तो ये आपने इधर इनपुट करना है। ये कोऑर्डिनेट्स आपने वो वाला इनपुट करना है जो कि जिधर से आपने स्टार्ट लेंगे उसी की ईस्टिंग नर्थिंग आप एंड के ऊपर रख के इसको आपने क्लोज करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स मैंने इधर लिख दिए हैं। इसी तरीके से जो से भी आपने स्टार्ट और एंड लेंगे उसको कर देंगे। इसका कलर में जैसे चेंज कर देता हूँ, आप देख रहे हैं नंबर वन पॉइंट भी हमारा वही है और लास्ट नंबर सेवन नंबर पॉइंट भी वही है। तो ये हमने क्लाक वाइज चले थे, जिस पॉइंट से भी आप चलेंगे उस पॉइंट के ऊपर आपने उसका स्टार्ट और एंड दोनों के ऊपर वही कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख देना है। जो भी आप अगर सेकंड नंबर पॉइंट से चलते हैं तो आपने सेकंड नंबर पॉइंट को भी स्टार्ट पहले नंबर पर लिखना है और उसके बाद एंड के ऊपर। तो इसी तरीके से जो से भी कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे आपने पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसी चीज़ का देना है। तो अभी इसके बाद हमने इधर अपने कैलकुलेशंस वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है। इस स्केच को थोड़ा सा मैं इधर साइड को ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है, तो इधर से मैं इसको सिलेक्ट करके इसको वार्म अप कर देता हूँ और इधर मैंने इधर इसके ऊपर इसका फार्मूला लगा देता हूँ। हमने इधर से इसकी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देना है। इसको पहला जो हमारे पास आएगा वो एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई आएगा और इसी तरीके से सेकेंड नंबर के ऊपर जो हमारा वाई आएगा वो इज इक्वल टू आएगा हमारा वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये हमारे पास y क्या है, हमारे पास x हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग की और y हमारे पास नार्थिंग की वैल्यू आ रही है। तो x मल्टीप्लाइड बाई वाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई हमने y करना है x1 और y2। इसी तरीके से x1 y2 x1 y2 x1 y2 ये करके इसकी फिगर्स को इधर हमने लिखना है और y के भी इसी तरह करना है y मल्टीप्लाइड बाई वाई वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू, इसी तरह y2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री। तो ये आपने इसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये आपने फार्मूला इधर मैंने आपके सामने इधर लिख दिया है, आपने इसको इसी तरीके से इस फार्मूले को इधर बना देना है। तो ये मैं ऊपर फार्मूला इसकी शेप में इधर ले आता हूँ और ताकि ये आपको इसी तरीके से याद रहे। तो ये आपने इसी तरीके से इसकी शीट को बनाना है, इसकी कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारे पास इधर x की वैल्यू आ जाएगी, उधर y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू के हिसाब से इधर सबसे पहले आपने इधर जीरो कर देना है, पहला हमारा जो आएगा वो जीरो वाला आएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आपने जैसे इजिकल करना है, ब्रैकेट लगानी है, आपने x1, ये हमारे पास x1 आ रहा है, मल्टीप्लाइड कीबोर्ड की मदद से करना है और इधर से y2 को आपने प्रेस कर देना है। तो ये आपके सामने इधर ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इधर इज इक्वल टू दोबारा लगा देना है और इसी तरीके से x2 की वैल्यू ब्रैकेट लगाना है, आपने x2 की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई y3 की वैल्यू को आपने इधर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से आप इसको करते जाएंगे। एक फार्मूला लगाने के बाद आपने इसको इधर कॉर्नर से पकड़ना है और नीचे तक लगा देना है। तो ये आपकी सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू जा रही है, पहली वैल्यू के ऊपर आपने जैसे इज इक्वल टू करना है, ये सबसे पहले ऊपर आ जाना है और इधर इज इक्वल टू करना है और y की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू, वही सेम टू सेम फार्मूला, इज इक्वल टू करना है वाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री। तो ये आपने इस तरह करते जाना है और जिससे कॉर्नर से एक फार्मूला लगाने के बाद आपने इधर नीचे लगा देना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इधर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके एक्स और वाई दोनों जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। ये दोनों आपस में क्रॉस तौर पर ये चीज़ें चल रही हैं इनके आमने सामने। तो ये आपने इसकी वैल्यू को बना देना है। उसके बाद आपने स्टेज आ जाना है जिधर आपकी वैल्यू सारी ख़त्म हो जाती हैं, आपने इधर इसको सम कर देना है। तो सपोज मैं इधर इस जगह के ऊपर इसको पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर देना है, एक्स वैल्यू वाले कॉलम को इधर से मैंने इसका सम प्रेस कर देना है। सम प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड करके इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसका कलर चेंज कर दूंगा और इसी तरीके से आपने वाई वाले कॉलम को भी आपने इधर से सारा सेलेक्ट करके और उसके ऊपर आके और आपने इसको इधर से उसके वैल्यू को बना देना है और इसका थोड़ा सा कॉलम आपने
इसको बोल्ड करके और इसको इधर से बड़ा कर देना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इधर इसी तरीके से आपने इधर कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। उसके बाद हमने एक्स कॉलम बनाया जिसके अंदर हमने एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई वाई टू को किया। इसी तरह वाई वाला कॉलम सेकंड था, वाई वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू को करके इसकी वैल्यूज को सामने रखने के बाद इधर से टोटल सम कर दिया। उसके बाद आप इधर से उसके इसका एरिया हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एरिया इधर भी बना सकते हैं और आप इधर अपना एरिया इधर साइड के ऊपर भी किसी जगह के ऊपर जिधर आपको ईजी लगता है इधर स्टार्ट के ऊपर भी आप लिख सकते हैं ताकि सारा कुछ आप वर्किंग करने के बाद एरिया इधर आपके सामने आ जाए। तो आप इधर से सामने उसका जस्ट इधर से ये एक लाइन को छोड़ के इधर ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ, उसकी हेडिंग बना देता हूँ इधर लैंड एरिया इज इक्वल टू, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें इधर से, उसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें और साथ इसका इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ। और इधर आपने थोड़े से तीन सेल चार सेल सेलेक्ट करके इधर से इसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपने इधर से इज इक्वल टू लिखना है, इधर इज इक्वल टू लिख, तो आपने इधर इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने इधर ए बी एस एब्सोल्यूट की वैल्यू लेनी है। ए बी एस आप इज इक्वल टू बाहर लिखेंगे तो ये एक्सेल के ऊपर उसका फार्मूला आ जाएगा ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए। क्योंकि तो आपके पास अगर एक्स की वैल्यू कम है और वाई की वैल्यू ज़्यादा आती है तो इधर माइनस का जो साइन आता है तो माइनस का साइन एब्सोल्यूट की वैल्यू इधर ख़त्म कर देगी। तो आपने जैसे डबल वैल्यू डबल एक और ब्रैकेट ऐड कर देनी है, आपने जैसे एक्स माइनस वाई कर देना है। वाई करने के बाद आपने जैसे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और डिवाइडेड बाई टू कर देना है। उसको डिवाइड बाई टू करने के बाद आपने इसके ब्रैकेट को इसे क्लोज कर देना है। तो ये आपने एब्सोल्यूट लगा देना है, एब्सोल्यूट के बाद आपने एक्स माइनस वाई करके और डिवाइडेड बाई टू करके आप इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो एरिया होएगा ये हमारे पास इस पूरा जो कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे साइड के ऊपर उसका लैंड एरिया आ जाएगा या ट्रैवर्स एरिया जो भी होएगा ये आपका एरिया उधर आ जाएगा। तो ये आपके पास एरिया जो होएगा ये आपके पास अगर ये आपके कोऑर्डिनेट्स अगर आपके मीटर्स में तो ये मीटर्स में होएगा, फिट्स में है तो फिट्स में होएगा। अगर आपके पास ये मीटर में है तो आपने जैसे स्क्वायर मीटर आपने जैसे कर देना है, ये स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया होएगा। और अगर आपके कोऑर्डिनेट्स इधर फिट्स के अंदर हैं तो आपने जैसे स्क्वायर फिट कर देना है इसको। और तो ये एस एफ टी आपने कर देना है तो ये आपका स्क्वायर फिट के अंदर इसका एरिया आएगा। फार्मूला सेम टू सेम यही यूज़ होएगा। तो आप बहुत आसानी के साथ जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स इधर हैं वो सारे आप इधर नीचे तक बना दें और बनाने के बाद आपने इसी तरह एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देना है और वाई के ऊपर वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स करके ये फार्मूला बना के नीचे इनका सम करके और इधर आपने जस्ट एब्सोल्यूट की वैल्यू लगाने के बाद एक्स माइनस वाई करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो ये आपका इधर लैंड एरिया आ जाएगा जो भी होएगा। तो आप इसी तरीके से आसानी के साथ बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। इसके बाद इधर आप ये कोऑर्डिनेट्स ये आपके लगे हुए हैं, आप इसका इधर स्केच बनाना चाहते हैं तो आप इधर से इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इधर से मर्ज कर देता हूँ सेल को। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप ये वो जो हमारे पास ये पूरा स्केच बना हुआ है ये स्केच भी आपका इधर एक्सेल के ऊपर इधर बन जाएगा बहुत आसानी के साथ इस पोर्शन के अंदर। तो आपने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर से इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। इंसर्ट के ऊपर आएंगे और इधर से आपने एक्स वाई सेक्टर के ऊपर आ जाना है। ये आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास मुख्तलिफ ये पूरे बने हुए इधर आपके पास चार्ट्स ही सारे इधर। ये आपके पास लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये एक्स वाई सेक्टर वाला है, ये इधर आपके पास मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। आप इधर से आप जिसको भी आप क्लिक करेंगे उस शेप के पास आपके पास इसके इसकी फिगर आ जाएगी। आपने इधर से जो भी फिगर जिस शेप को बनाना चाहते हैं उसको आप इधर से क्लिक कर दें। ये आप पॉइंट ड्रा करना चाहेंगे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये आपके क्रॉस में आ जाएंगी ये दोनों लाइन्स और ये आपके पास जिस तरह के पॉइंट्स होंगे उस तरह के स्ट्रेट लाइन्स वगैरह आ जाएंगे। तो हम ये इधर से सेक्टर विद स्ट्रेट लाइट को हम इधर से सिलेक्ट कर देंगे तो ये आप ये देखेंगे ये आपके पास इधर पूरा कोऑर्डिनेट उसका चार्ट भी इधर बन जाएगा सारा। आप इसी तरीके से इसका चार्ट इधर बना सकते हैं। तो इधर ये आप कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे इधर इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी और ये इधर इसका चार्ट्स वगैरह आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी। चार्ट के ऊपर आप इन साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके पास साइड के ऊपर आ जाएगा। आपने प्लस वाले साइन को क्लिक करना है तो इधर आपके पास डेटा लेबल वाला ऑप्शन आएगा। आपने इधर से डेटा लेबल को इधर से क्लिक कर देना है, इधर से आप इसको इसकी डायरेक्शंस वगैरह को चेंज कर सकते हैं जिधर रखना चाहते हैं। आप सेंटर में रखना चाहते हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर अबव आप कर सकते हैं। आप इधर से इसकी वैल्यू को अबव रख सकते हैं। इधर आप ये देख रहे हैं हमारे पास जस्ट इधर नॉर्थिंग की वैल्यू आ रही है तो आपने इधर से इसको क्लिक करना है डबल सारी एक आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। इधर से आपने डबल क्लिक कर देना है और इनको आपने
दोबारा सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पास फॉर्मेट डेटा लेबल्स टैब आ जाएगा। आपने इधर से लास्ट के ऊपर आ जाना लेबल ऑप्शन के ऊपर। लेबल ऑप्शन आप इसको क्लिक करेंगे तो इधर से लेबल ऑप्शन के ऊपर आप आएंगे तो इधर ये देखेंगे वाई वैल्यू चेक इन है, एक्स वैल्यू नहीं है। तो आपने एक्स वैल्यू को चेक इन कर देना तो इधर आपके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इधर से आप नीचे आते हैं और इधर से आपने जैसे न्यू लाइन को आपने सेलेक्ट कर देना तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स पूरी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। एक्स और वाई वैल्यू के हिसाब से आप इसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जिधर भी आप रखना चाहते हैं इनको सेट कर सकते हैं। और इधर से आपने इसका टेक्स्ट वगैरह भी मैनुअल बोल्ड कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी इधर ड्रा हो जाएंगे। आप इसका पूरी टेबल इसी तरह बना के और इसका प्रिंट्स वगैरह बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, उधर से आप इसको डाउनलोड करके और इसको बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इधर से चेंज कर दूंगा, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको मैं इधर नीचे ले आऊँगा ताकि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सारे आपके इजीली आ जाएँ। तो ये आपने देखा कि हमने कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए सबसे पहले इधर कोऑर्डिनेट्स इंटर किए, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन है, उसके बाद हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने इसके अंदर चार्ट एक्स वाई सेक्टर का इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो आप इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखें, एक दफ़ा की वर्किंग से आपको उसकी समझ नहीं आती, आप वीडियो को दो 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 दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा उसको रिवाइज़ करके आप देखें और ये बहुत इजी काम है और बहुत एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगा तो आप इसको कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।